वसई विरार में वैक्सीन के लिए तरस रही है जनता। वसई विरार में कोरोना की वैक्सीन लेना लोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। धूप बारिश व रात दिन घंटे खड़े रहने के बाद भी वैक्सीन नहीं मिल रही है। यहां के वैक्सीन सेंटरों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। 200 से 500 डोज के लिए हजारों लोग रात में ही लाइन लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वैक्सीन नहीं मिलती है। वैक्सीन की भारी किल्लत के चलते लोगों में भारी आक्रोश है। वैक्सीन के लिए क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, सभी निराश हैं। इधर राज्य सरकार ने 2 डोज वालों को लोकल में यात्रा करने की अनुमति दी है, तो दूसरी ओर वैक्सीन की कमी लोगों को रुला रही है। मैं ये तीसरी बार लाइन लगा के खड़ी हूँ, अभी तक वैक्सीन नहीं मिला है। मतलब आपने ऑनलाइन रजिस्टर करवाया था? नहीं नहीं करवाया था, ऑफलाइन में ही आई थी। 3 बार आई, सब लोग बोले लगेंगे, इधर से खड़ी होगी, इधर से फिर वापस जाती पीछे, फिर वापस आगे पीछे करते, ऐसे करके 3 बार हो गया। चौथी बार लंबल में लाके खड़ी हूँ लाइन में, अभी तक नहीं मिला। सब लोग घुस जाते लाइन में आके, हम लोग को कुछ मिलता ही नहीं है इंजेक्शन। उधर से बोलते ऑनलाइन चालू है, फिर देखो तो जाके ऑफलाइन वालों को ले लेते हैं। इधर वालों को कुछ मिलता ही नहीं है इंजेक्शन। बोलते 5,000 इंजेक्शन आया, 8,000 आया, कुछ मतलब नहीं है। हम लोगों का गरीब लोग काम छोड़ के आते हैं, इधर खड़े धूप में खड़े रहते, सब खड़े रहते, हम भी खड़े रहते, हमको भी नहीं मिलता इंजेक्शन। धन्यवाद, चलो।